अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। मौशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद अवास, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शेरलिंगम पल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में श्री साई राम नगर, डायमंड हाइट्स, एनटीआर नगर, ताज नगर, सोफा नगर, ज्योतिराम पुले कॉलोनी, गोपन्नापल्ली विलेज, गोपन्नापल्ली वीकर सेक्शन, गोपन्नापल्ली टांडा, इन सभी इलाकों में पीने के पानी की पाइपलाइन सप्लाई की जाएगी। और रिजर्वर बोर्ड नलगुंडा हुडा कॉलोनी और गोपन्नापल्ली में तामीर किया गया और रिजर्वर का खर्चा करीब 3.43 करोड़ और पाइपलाइन का खर्चा करीब 4.39 करोड़ किया गया है, जो लगभग 3000 से ज्यादा कनेक्शन दिया जाएगा। आज इस वाटर वर्क डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया गया, जहां पर खुसूसी मेहमान श्री के तारागा रामाराव, श्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी, श्री पी महिंदर रेड्डी, श्री मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन, श्री एम दाना किशोर और दीगर अफराद ने शिरकत की। शेख आसिफ के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शेरलिंगमपल्ली मंडल नलगंडा एरिया और गोपनपल्ली में वाटर स्टोरेज का इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें हिस्सा लिया है आईटी मिनिस्टर केटीआर और वाटर वर्क्स एमडी और होम मिनिस्टर और एमपी साहब चिवाला और शेरलिंगमपल्ली एमएलए और कारपोरेटर और सारे जो है ना जीएचएमसी के अहदेदारों ने इस काम को अंजाम दिया। मैं शेख आसिफ, कैमरा पर्सन के संगत, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।